देखिए जिस तरीके से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से राहुल जी की जो यात्रा है उसमें व्यवधान डाले जा रहे हैं, यात्रा पर अटैक हो रहे हैं, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा, और यहाँ तक कि अब जो जानकारी मिली है कि सरकार उनकी यात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करा रही है और मुख्यमंत्री ट्वीट करके उसकी जानकारी दे रहे हैं, ये इस बात का परिचायक है कि पूर्व राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उस भावना से ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। राहुल जी का स्पष्ट संदेश है कि डरो मत, न्याय के लिए लड़ो, अन्याय के खिलाफ लड़ो, और कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ता बिना डरे लगातार राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस तरह के की अलोकतांत्रिक कार्रवाइयों का विरोध अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। सर, आंदोलन कई जगह हो रहे हैं, एक महाराष्ट्र में भी कल जो है एक क्लैशेस हो गए थे मीरा रोड में मंदिर के उद्घाटन के समय, उसके बाद तमिलनाडु में भी, तेलंगाना में भी कई जगह राहुल जी की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पे भी जो है आमने सामने गुट हो गए हैं। अब CM साहब जो है, क्या राजनीतिक रंग देना किसी रिलीजियस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, आज सब चीज़ों को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ये गलत है। सरकार अपना काम करती है, पार्टियां अपना काम करती हैं, पार्टियां जो काम करती हैं उसमें उनको राजनीतिक रंग देना पड़ता है कोई पार्टी हो, लेकिन सरकार के कामों को राजनीतिक रंग देना ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, न संवैधानिक है और ना ये लोकतंत्र के जो मर्यादा और नैतिक मूल्य उनके अनुसार होता है। महाराष्ट्र सरकार का भी कोई बयान आया नहीं है, जिस तरह के क्लैशेस हुए हैं रात को, कल भी दो दिन लगातार हो गए उस चीज़ को, कारण उनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। वो कोई भी काम ऐसा करते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, चुप रहने की उनकी आदत है, इश्यूज़ पे बोलते नहीं, नॉन इश्यूज़ को इशू बना के उस पर बोलने की कोशिश करते हैं, तो कुल मिला के पूरे देश में एक अलग सा माहौल बनाया जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। राजस्थान में भी भरतपुर में जो आंदोलन चल रहा है उसको लेके अशोक गहलोत ने भी चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार को रिजर्वेशन के लिए, वो अभी तक जो है पूरा नहीं हुआ है, और आज फिर जो है 7वां 8वां दिन हो चुका है उस आंदोलन को, रेलवे ट्रैक के साइड में बैठे। हमारी वही मांग है जो अशोक गहलोत जी ने कही, उस पर ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार को और इसके समाधान की तरफ प्रयास करने चाहिए। नहीं, अनहोनी घटना बहुत बड़ी यात्रा आती है, 3500 किलोमीटर के राहुल जी पहले निकाल चुके हैं, उसमें कोई घटना नहीं होगी। अनहोनी घटना कैसे होगी? अनहोनी घटना तो कांग्रेस तो अनहोनी घटना करती नहीं है, जो अनहोनी घटना करवाते हैं उनके मन में जरूर भय हो सकता है, और भय भी नहीं है उनके मन में, वो ये बात कह के यात्रा को किसी न किसी तरीके से रोकना चाहते हैं, क्यों जो अभूतपूर्व समर्थन यात्रा को मिल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी और असम सरकार और दूसरे जो उनके विचारधारा के लोग हैं उनको खतरा महसूस हो रहा है। राजस्थान में भी बांसवाड़ा से भी यात्रा निकलेगी, आपको लगता है कि राजस्थान में भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखेंगे, जो परिस्थिति आएगी, अन्याय का हर जगह मुकाबला करेंगे। राजस्थान सरकार ने जिस तरह से 5000 लोग जो हटाए गए हैं नौकरियों से, उसको लेकर आज विधानसभा में मुद्दा भी उठाया है, विपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया है, क्या आपको लगता है कि उस योजना के नाम में राजीव गांधी का नाम था इसलिए ये ऐसा हुआ है, क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, वो सारे काम जो हमने शुरू किए उन सारे कामों का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से नाम बदल के थोड़ा बहुत इधर उधर करके, वो ये चाहते हैं कि उनका श्रेय जो काम उन्होंने नहीं किए हैं, जो उन्होंने योजनाएं नहीं चलाई हैं उनका लाभ उनको कैसे मिल सके, वो बैकडोर एंट्री से खुद के लोगों को भरना चाहते हैं। हमने एक तरीके से लोगों का, हमने हमेशा जो भी प्रयास किया, हमारा लक्ष्य भी हमारा पवित्र है और हमारे साधन भी पवित्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के साधनों की पवित्रता में लोगों को संदेह है और ऐसे काम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद ही लोगों के मन में शक पैदा कर रही है। सर, आंदोलन से चीज़ें बदलती भी हैं, जैसे RS मेंस के एग्जाम थे, वो बच्चे बैठे हैं सड़क पे, तारीख आगे बढ़ने की बात मान ली गई, क्या आपको लगता है कि अब मौन सत्याग्रह से फर्क पड़ेगा? मौन सत्याग्रह तो बहुत बड़ी ताकत है, ये मौन सत्याग्रह ही था और ये सत्याग्रह था जिसने देश को आज़ाद कराया।